हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल टिक टेकन को। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने घर पे वाईफाई लग पाते हो तो आपको लैन की ज़रूरत आपको पड़ेगा ही। तो किस तरह का लैन या किस टाइप का लैन आपको लेना चाहिए आपके वाईफाई के लिए, तो वही आज मैं इस वीडियो पर बताऊँगा। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, अगर आपकी कोई हेल्प होता है इससे, तो जरूर से जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन को बजा के ऑल कर लेना। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो शुरू करता हूँ। तो अभी जो है मार्केट पर वाईफाई जो है डुअल बैंड वाला जो है वाईफाई वो काफी चल रहा है, यानी कि लोग यूज कर रहा है डुअल बैंड का वाईफाई। तो इस डुअल बैंड का वाईफाई का क्या है? तो इस डुअल बैंड पर आपको जो है दोनों तरह का आपका जो है वाईफाई देखने के लिए मिलता है। लाइक आपका जो है पहले जो मिलता था आपका जो है सिंगल बैंड का जो राउटर मिलता था, वहां पे आपका जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो है वाईफाई सिग्नल बैंड जो होता था वो आपको मिलता था। अभी जो है मार्केट पर डुअल बैंड वाला राउटर बहुत चल रहा है, तो इस डुअल बैंड पर आपका जो है 2.4 गीगाहर्ज और उसके साथ आपका जो है 5 गीगाहर्ज का और भी एक जो है बैंड वो भी आपको सेम राउटर पर मिलता है। तो 5 गीगाहर्ज वाला बैंड अगर आपके राउटर पर है या डुअल बैंड वाला अगर आप राउटर लगवाते हो, तो 5 गीगाहर्ज वाला जो बैंड है वहां, तो उस बैंड से अगर आपके फोन कनेक्ट करते हो तो वहां पे आपका जो है ज्यादा स्पीड मिलेगा 2.4 गीगाहर्ज से। तो अभी जो है 2.4 गीगाहर्ज 3G फोन हो गया, 4G फोन हो गया, तो इन सभी फोन के लिए 2.4 गीगाहर्ज ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपके पास एक 5G स्मार्टफोन है तो वहां पे जो है आप लोग 5 गीगाहर्ट्ज पर कनेक्ट कर सकते हो, या कुछ कुछ अभी जो है 4G हैंडसेट पर भी 5 गीगाहर्ट्ज का जो है वाईफाई बैंड सपोर्टेड है। सभी 4G फोन पर 5 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ 4G फोन है जिस पर 5 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड वाईफाई है वो सपोर्ट करता है। तो आप लोग जब से चेक कर लेना कि अगर आपके फोन में 5 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो अगर आपके फोन 4G फोन पर 5 गीगाहर्ट्ज वाला जो है वाईफाई है, वाईफाई से जाकर आप लोग चेक कर सकते हो, वहां पे अगर आपको शो हो जाता है तो अगर आपके फोन में जो है 5 गीगाहर्ट्ज वाला जो है एकदम सपोर्ट करेगा, फुल्ली सपोर्ट करेगा, स्पीड भी जबरदस्त मिलेगा 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है उससे कहीं ज्यादा स्पीड आपको, डबल स्पीड आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा, और जो है स्पीड भी काफी अच्छी मिलता है वहां पे। तो मेरा 4G फोन है, वहां पे 5 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड सपोर्ट नहीं करता, तो वहां पे मुझे स्पीड कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज से कनेक्टेड रहता हूँ। अगर मेरे फोन पर 5 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड कनेक्ट हो जाता तो मुझे और भी डबल स्पीड देखने के लिए मिलता, मेरे जो प्लान है उससे भी ज्यादा स्पीड वहां पे देखने के लिए मिलता है। और आपका अगर आपके पास एक 5G हैंडसेट है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 5G अगर आपके पास हैंडसेट है तो वहां पे सभी अवेलेबल है, 5G भी सपोर्ट, 5 गीगाहर्ट्ज का भी वाईफाई बैंड जो है वो सपोर्ट करेगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज का भी सपोर्ट करेगा। तो 5G वालों के लिए, 5G वालों हैंडसेट के लिए तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया वाईफाई। तो वाईफाई पर अगर आपके पास 100 Mbps स्पीड होता है तो वाईफाई पे आपका जो है स्पीड अगर आप लोग ऑनलाइन पर चेक करोगे तो वहां पे आप लोगों को थोड़ा आगे पीछे आपको मिल जाएगा, कभी भी 90 मिलेगा, कभी 80 मिलेगा, और कभी 101 Mbps मिलेगा, 102 Mbps मिलेगा, ये हम लोगों को शो हो जाता है, लेकिन एक्चुअल पे इतना स्पीड हम लोगों को नहीं मिलता है।
अगर आप लैपटॉप पर यूज करते हो, अगर आप फोन पर यूज करते हो, तो अगर आप वाईफाई बैंड से कनेक्ट करोगे तो लैपटॉप पे या फोन पर बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट है एक ही राउटर पे, तो वहां पे जो क्या होता है, स्पीड डिक्रीज हो जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, मीटिंग पर हो, तो आप लोगों के लिए लैपटॉप पे इंटरनेट होना जरूरी है। तो उसके लिए जो है, आप लोगों को कोई भी इंटरप्ट ना आए आपकी ऑनलाइन क्लास पर, मीटिंग्स पर, और भी जो ऑनलाइन चीज होता है वहां पे, अगर आपको इंटरप्शन ना आए, तो इसीलिए आप लोगों को एक लैन लेना बहुत ही जरूरी है। तो अभी जो है मार्केट पर जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वहां से आपको जो है लैन 1 मीटर या 1.5 मीटर तक लैन आपको फ्री में दिया जाता है। उसके बाद अगर आपको लैन चाहिए तो आपको मार्केट से ऑनलाइन खरीदना पड़ेगा। तो मैंने इस तरह का ही एक लैन जो है खरीदा था, तो मैं आज उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह का लैन आपको जो है लेना चाहिए। पहला वाला जो था बहुत पुराने दिन से ADSL सर्विस जो होता है, अगर आप उस टाइप का कुछ सर्विस यूज अभी तक कर रहे हो, तो आपके लिए 5 कैट 5 या Cat5e वाला जो केबिल है वो ठीक ठाक है, चल चल जाता है। लेकिन अगर आप इसी टाइम पर वाईफाई लिया है, फाइबर नेट यूज कर रहे हो, डुअल वैन वाला राउटर लगाया हो घर पे, तो आप लोगों के लिए Cat6 या Cat7 वाला जो है वायर है वो आपको मस्ट लेना चाहिए। अगर मिनिमम आपका जो है Cat6 वाला जो है वो लैन केबिल जो होता है वो आपको लेना चाहिए। मैं इसीलिए बता रहा हूं, अगर आप Cat5 लोगे, अगर आप कोई 30 Mbps वाला प्लान लेते हो, तो उसके लिए आपको ठीक ठाक स्पीड आ जाता है, लेकिन कभी कभी टाइम जो है आपको जो है दिक्कत भी आने वाला है। तो वहां पे 30 Mbps के बदले में आपका जो है 20 Mbps भी आता है, या 15 Mbps भी आ जाता है, कभी कभी 25 Mbps भी आ जाता है। तो इसका कोई गारंटी नहीं रहता। अगर आपके पास एक Cat6 वाला, मिनिमम Cat6 वाला अगर आपके पास केबिल रहता है, तो वहां पे आपका जो है पूरा पूरा जो है स्पीड वो आपको देखने के लिए मिलता है। 30 Mbps का प्लान है तो वहां पे आपको 29 Mbps देखने के लिए मिलता है। हर वक्त आपको 31-32 Mbps ही मिलता है, लेकिन कुछ कुछ टाइम पे आपको जो है 29 Mbps देखने के लिए मिलता है। और वो जो है आपका जो है, अगर Cat5e या Cat5 केबिल होता है, तो आपका आपको 20 Mbps भी देखने के लिए मिलता है, या 25 Mbps भी देखने के लिए मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से मैं एक Cat5 केबिल ऑर्डर किया था कि मेरा कम स्पीड वाला प्लान है, तो मैं Cat5e ले लेता हूँ। तो वहां पे प्राइस भी थोड़ा कम में मिल जा रहा था, तो मैंने ऑर्डर कर दिया फ्लिपकार्ट से। तो वहां पे मैंने स्पीड का इस डिफरेंस को मैंने फॉलो किया, तो मेरे पास एक Cat6 का भी केबिल है या Cat5 का भी केबिल है। दोनों ही केबिल से मैंने जो स्पीड टेस्ट किया था, वहां पे मेरे को Cat5 पर अप डाउन मिल रहा है Cat5 पर, बट उतना भी नहीं Cat5 से। Cat6 पर आपको जो है कभी कभी मिलता है तो 29 Mbps, 30 Mbps का प्लान है, 29 Mbps मिलता है। बहुत सारी टाइम जो है 30 Mbps से ही ज्यादा ही मिलता है। अगर Cat5 पर मैं देखूँ तो 26, 25, कभी कभी 20 Mbps भी मिलता है, कभी कभी 22 भी मिल रहा है, इस तरह का मुझे मिलता है। तो मैंने फ्लिपकार्ट से 13 वाइट का एक Cat5e केबिल ऑर्डर किया था, जो है 25 मीटर्स का था। तो उसका जो है फोटो फ्लिपकार्ट पे साइट पे बहुत खूब दिखाई दे रहा था, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। 25 मीटर्स ऑर्डर किया था, तो मुझे 334 रुपीज ऐसा कुछ प्राइस पड़ा था, जो कि एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा था, तो मैंने देखा तो ऑर्डर कर दिया। तो उसके बाद मुझे 24 मीटर्स मिला है, तो इससे कोई मैं बात नहीं करना चाहता। ठीक है, 1.5 मीटर कम मिल गया, तो प्राइस भी मुझे कम पड़ा है, तो ठीक है, मैं उस बात को छोड़ देता हूँ। लेकिन जो है वेयर का जो क्वालिटी है, स्पीड का तो डिफरेंस मैंने बता दिया, लेकिन फ्लिपकार्ट
सॉफ्टवेयर का जो क्वालिटी है वो बहुत ही खराब है। जब नया नया आया था तब ठीक ठाक था एक दो दिन, उसके बाद अगर आप इंटरनली उसको यूज करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग बाहर या आउटसाइड पर आप लोग यूज करते हो तो वहां पे आपको जो है 2-3 दिन अगर आप बाहर रख देते हो उसको या टंगा हुआ है तो वहां पे आपका जो है अगर आप उस तार को ट्विस्ट करोगे तो वहां से भी वो कट हो जा रहा है। ऐसा कोई नहीं कि अगर कोई बर्ड्स आके उसको बाइट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक से ही कट जाएगा, ऐसा ही तार का जो क्वालिटी है, वायर का जो क्वालिटी है वो बहुत ही खराब है। तो मैंने आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि 13 वाइट का इस वायर को आप लोग ना खरीदें। अगर आप इंटरनली आप लोग नहीं यूज नहीं कर रहे हो तो अगर आप आउटसाइड पर यूज कर रहे हो बहुत दिक्कत आ जाती है। इनसाइड पर डोर्स है उसको आप लॉक नहीं कर सकते, अगर डोर एक बार लॉक हो जाता है तो वो तार तो वहीं से गया। ऐसा सिचुएशन मेरे साथ भी हो गया है एक बार। तो मैं रिकमेंड करूंगा Cat6 वाला ले लो। अगर आप आउटसाइड पर वेंटिलेटर से अगर आप कोई दूसरे रूम पर शिफ्ट कर रहे हो वाईफाई को तो वो भी आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका जो है वायर आपका ठीक ठाक रहेगा, अगर 3-4 महीने में वायर खराब हो जाता है तो वहां पे आप लोगों को फिर से एक वायर खरीदना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है आप लोग अच्छी क्वालिटी का Cat6 वाला ही लैन केबल खरीदो, तो वो अच्छा है। मार्केट पर बहुत सारी अवेलेबल है, वहां से आप लोग चेक कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि कौन सा वायर था जो आप लोगों को नहीं खरीदना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो वही है, यही है वो वायर जो मैंने खरीदा था फ्लिपकार्ट से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्लिपकार्ट का जो लोगो है ये मैंने खरीदा था। और यहाँ पे जो है आपका जो है अभी जो प्राइस दिखा रहा है वो है 397, लेकिन मेरे को 334 में मिला था। और इस वाले जो केबिल है, इस केबिल का आप लोग फोटो में देख रहे हो तो कितना क्वालिटी वाला आपको देखने के लिए लग रहा है, लेकिन ओरिजिनली मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। आप लोग नाम भी देख लेना, 13 वाइट लैन केबिल 25 मीटर, लेकिन Cat5 या Cat5e इथरनेट केबल। तो यहाँ पे जो है 24 मीटर ही आपको मिलेगा, 25 मीटर आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो है आपका है जब कैट ओरिजिनली जो है आपका जो है केबल का क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला केबल आपका जो है फोटो में आप लोग देखिए और ये वाला केबल आप लोग देखिए कितना डिफरेंस है। यहाँ पे काफी मोटा आपको दिख रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि कितना थिकनेस भी दिखा देता हूँ, कितना पतला क्वालिटी का है। जो यहाँ पे थिकनेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितना पतला है। अगर आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना पतला है इस वाले केबिल। और यहाँ पे जो है अब मैं नाखून से टिप दे रहा हूँ तो आप लोग देखिए यहाँ पे जो है मार्क हो जा रहा है। आप लोग देख सकते हो कि कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किस तरह का आपका जो है यहाँ पे जो है एक मार्क हो गया है। तो ये वाला जो वायर है ये आपको नहीं लेना है, मैंने खरीद कर फंस गया। तो स्पीड टेस्ट भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। इस वाला वायर आप लोग देख सकते हो, अगर आपको ऐसे आप कर देते हो तो कितना पतला वायर है और यहाँ पे जो है कितना मोटा आपको दिख रहा है। तो इस वाला वायर आप लोग लेना नहीं चाहिए, आप लोग Cat6 वाला ही वायर लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको स्पीड टेस्ट भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो काफी टाइम मुझे ऐसे भी देखने के लिए मिलता है। तो मैं यहाँ पे जो ओकला का जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ कितना स्पीड मेरे को मिल रहा है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पिंग बहुत ही कम है। अगर पिंग आपको कम देखने के लिए मिलता है तो स्पीड आपको पूरा पूरा ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर पिंग आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है तो वहाँ पे आपका जो है बहुत ही खराब स्पीड आपको देखने। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एकदम से देख लीजिए अपलोड स्पीड मुझे कितना कम, 15 Mbps से स्टार्ट हो रहा था, अभी जाके थोड़ा 26-27 Mbps पर अटका हुआ है। लेकिन मेरा जो है 30 Mbps वाला प्लान है, 27 Mbps में ही और ख़त्म हो गया। मैं आपको दूसरा एक बार भी टेस्ट करके दिखाता हूँ, अगर आपको देखने कुछ कुछ टाइम ठीक देता है, कुछ कुछ टाइम खराब देता है। तो यहाँ पे आप लोग ये 4 पिंग वाला जो है, 4 पिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है 31 Mbps डाउनलोड स्पीड ठीक ठाक मिल जाता है। और अपलोड स्पीड ही मुझे देखने के लिए मिलता है 15 से स्टार्ट हुआ है, तो अभी कितना जाके वो स्टेबल होता है वही देखने के लिए मिलेगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 अभी मिला है, तो पिछले बार 26 मिल रहा था। मैं और भी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो पिंग रेट जितना मिलेगा उसके हिसाब से अभी जो है 5 पिंग मिल रहा है। तो अभी देखिए जब मुझे कितना स्पीड मिलता है, मैं आपको 3-4 बार और भी करके दिखाऊंगा, तो अभी आपको समझ में आएगा कि दिक्कत आपको कहाँ पे आने वाली है। तो वही यहाँ पे थोड़ा 19 Mbps से स्टार्ट हुआ है, शायद यहाँ पे 26, 27, 26 ऐसे 28 हो गया, 28 तक मुझे मिला। मैं और भी एक बार आपको दिखाता हूँ, अगर पिंग 3-4 बार मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पे थोड़ी पिंग ज़्यादा बढ़ गया, अभी 3 Mbps 3 पिंग यहाँ पे देखने के मिल रहा है। तो वो देखिए यहाँ पे स्पीड कितना मिल रहा था, 31 Mbps। डाउनलोड स्पीड ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अपलोड स्पीड पर थोड़ी बहुत जो है कम ज़्यादा रहता है, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 26 पर यहाँ पे जो है 27 ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हो। और मैं आप लोगों को एक और बात और दिखा देता हूँ कि मेरा जो है यहाँ पे लैन कनेक्शन है, आप लोग कनेक्शन देख रहे हो, और जो है यहाँ पे उसी Cat5 जो केबिल मैंने दिखाया था वो ही मेरा जो है कनेक्टेड है। मैं दूसरा कोई कनेक्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये आप लोग वीडियो पे बहुत सारे लोग बोलते हो कि मैं दूसरा कोई केबल कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं वही जो है केबल कनेक्ट किया हुआ हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगता है या नॉलेजेबल लगता है या तो इस वीडियो को जरूर से शेयर करना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना कि बहुत से लोगों के पास इस वीडियो पहुंच जाए, और इस केबल ना खरीदे वो कि आप अगर आप पैसा दे रहे हो, अगर आप लोग तो अगर आप लोग पैसा दे रहे हो 300-400 रुपीस एक लैन केबिल के पीछे खर्च कर रहे हो, तो अगर लैन केबिल आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो 2-3 महीने के अंदर ही आपको जो है दूसरा लैन आपको लेना पड़ेगा। अगर लैन आपको खराब सा ले लिया है, जब आपको जो है ठीक ठाक स्पीड नहीं मिलेगा, आपको इंटरप्शन आएगा आपके वर्क पर, ऑनलाइन क्लास पर, मीटिंग्स पर, तो मैं आपको वही बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि अगर आप लोग ठीक ठाक लैन के भी लोगे तो पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोग ठीक ठाक लैन के भी आप लोग चूज करोगे तो वहाँ पे जो है आपका जो है स्पीड आपको ठीक ठाक मिलेगा। अगर देखिए डेली डेली वाईफाई अनलिमिटेड दे रहा है, अगर आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हो तो उस लैन के बिल से आपका जो है बहुत ही खराब आपको जो है वाईफाई के ऊपर भी आपको इफेक्ट आएगा, आपको लगेगा कि हाँ वाईफाई खराब है, उससे ही स्पीड नहीं आ रहा है शायद, तो आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हो वाईफाई बेसिकली। तो अनलिमिटेड इंटरनेट आपको जो है प्रोवाइड नहीं, अगर आप कुछ मूवी डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे जो है आपको जो है कम स्पीड देखने के लिए मिलेगा, हालांकि आपको अनलिमिटेड मिलेगा लेकिन कम स्पीड देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका जो है लैंड आपका जो है Cat6 वाला या 7 वाला हो तो वहाँ पे आपको स्पीड जबरदस्त देखने के लिए मिलेगा, बहुत बड़ी GB वाला फाइल भी आपका जो है कुछ सेकेंड्स के अंदर आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो
यही था आज का वीडियो का टॉपिक। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन को ऑल कर लेना। तो चलिए मिलते हैं मेरे को नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।